भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राम नवमी के दिन आपको कौन सा ऐसा खास उपाय करना चाहिए जिससे पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की समृद्धि हो तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के 21वें अवतार के रूप में त्रेता युग में महाराजा दशरथ तथा महारानी कौशल्या के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए रामनवमी का दिन सबसे खास माना जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ठीक मध्यान्ह समय अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रागट्य अयोध्या में हुआ था। तभी से राम नवमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण और खास माना जाता है। और राम नवमी को सर्वार सिद्धि योग के साथ साथ कई योग विद्यमान रहेंगे। इसी कारण राम नवमी के दिन यदि हम कोई भी नया काम करते हैं, शुभ काम करते हैं और मंगल कार्य का शुभारंभ करते हैं तो वो सबसे ज्यादा हमारे जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है। इस बार राम नवमी का जो महापर्व है वो 21 अप्रैल 2021 बुधवार के दिन राम नवमी मनाई जाएगी और इस दिन दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रागट्य उत्सव मनाया जाएगा। तो राम नवमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं तथा राम नवमी का व्रत करें। राम नवमी का जो व्रत होता है वो 3 प्रहर तक ही माना जाता है। 3 प्रहर का अर्थ होता है कि सूर्योदय से लेकर के लगभग दोपहर 2:50 तक 3 प्रहर पूरे हो जाएंगे। यदि आप रामनवमी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 3 प्रहर व्रत करने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो आप राम जन्मोत्सव के बाद में भगवान को भोग लगाने के पश्चात भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो राम नवमी के दिन सर्वप्रथम सुबह सभी कार्यों से निवृत्त होकर के प्रभु श्री राम का मध्यान्ह काल में विशेष पूजन अर्चन करें। प्रभु श्री राम का इस दिन पूजन करने के लिए उनका आवाहन किया जाता है और आवाहन के लिए उनके सामने जो है अक्षत और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम को स्नान कराया जाता है। 4 बार प्रभु को स्नान कराएं। पादियोपाद्यम यानी पांव धुलाने के लिए उनको स्नान कराएं तथा उनके हाथ में जो है हाथ धुलाने के लिए उनके हाथ में जल प्रदान करें। मुख में आचमन करने के लिए ने कुल्ला करने के लिए उनको 3रा जल अर्पण करें। उसके बाद 4थी बार उनको सर्वांग स्नान यानी पूरे प्रभु के स्वरूप के ऊपर स्नान कराएं। उसके बाद प्रभु को दूध दही शहद शक्कर घी तथा मिलित पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन के जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं। जब भी हम किसी अन्य पदार्थों से स्नान करवाते हैं तो उसके बीच बीच में शुद्ध जल से स्नान करवाए जाए और उसके बाद प्रभु को चंदन का तिलक लगाएं। उसके पश्चात उनको अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला धराएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और प्रभु श्री राम को अनेक प्रकार के सुगंधित इत्र आदि अर्पण करें। उसके बाद प्रभु को सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराएं, अच्छी प्रकार से प्रभु का श्रृंगार करें। यह कार्य आप दोपहर 12 बजे के पहले पहले संपन्न कर ले और ठीक 12 जैसे ही बजते हैं उस समय भगवान के सामने भोग रखें और भगवान के जो भोग के रूप में वैसे तो आप अनेक प्रकार की मिठाइयां, फल और अन्य भोग सामग्री उनके सामने रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, पंचमेवा इत्यादि आप उनको भोग के रूप में अर्पण करें। लेकिन सबसे अधिक प्रिय कोई वस्तु यदि उनको है तो वो खीर होती है। प्रभु श्री राम को खीर सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आप यदि व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो आप फलाहारी खीर बना करके प्रभु को अर्पण करें
और यदि व्रत उपवास आप नहीं करते हैं और प्रभु के जन्मोत्सव के बाद आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आप चावल की खीर बना करके प्रभु के सामने अर्पण करें और खीर के अंदर तुलसी पत्र केसर इत्यादि डाल करके भगवान को भोग लगाएं, आसपास जल घुमाएं और उसके बाद में आरती करें। आरती करने के बाद में सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करें। फल मिठाई और अन्य जो भी सामग्री आपने भोग लगाई है उसका प्रसाद वितरण करें। भगवान की स्तुति का गान करें तथा श्री रामचरितमानस का अखंड रामायण पाठ भी आप रामनवमी के दिन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित महाकाव्य की रचना श्री रामनवमी के दिन से ही प्रारंभ की थी, इसलिए इस दिन रामचरितमानस का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि पूरा रामचरितमानस हम नहीं पढ़ सकते हैं तो एक चौपाई या जितना भी आपके लिए संभव हो, जितना समय हो, जितना आप कर सकते हैं उतना पाठ रामनवमी के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप श्रवण भी कर सकते हैं या फिर राम नाम का उच्चारण भी आप इस दिन कर सकते हैं। पूजन आरती संपन्न होने के बाद में प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है और आप साक्षात विष्णु यानी नारायण के अवतार है। आज हमने आपका प्रागट्योत्सव, आपका अवतरण दिवस मनाया है। आपकी सेवा की, पूजा की, हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा और हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे और आपकी कृपा दृष्टि हमारे सभी सदस्यों के ऊपर बनी रहे, सारे परिवार के लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और उन्नति तथा प्रगति करते रहें। इस प्रकार प्रभु से अपने मन की प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा और उसके बाद में आप जब भोजन ग्रहण करते हैं या प्रसाद के रूप में इस दिन आपने जो भोग भगवान के सामने खीर का लगाया है उसको जरूर स्वयं ग्रहण कर लीजिएगा और पूरा परिवार उस खीर को ग्रहण अवश्य करे, क्योंकि प्रभु श्री राम को खीर सबसे अधिक प्रिय होती है। खीर में वैसे तो माता महालक्ष्मी का निवास भी बताया गया है और माता महालक्ष्मी चूंकि नारायण की अर्धांगिनी है और यदि आप रामनवमी के दिन खीर का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो माता महालक्ष्मी के साथ साथ नारायण भगवान भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि जब प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ था उससे पहले उनके पिता राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया था और उस यज्ञ के माध्यम से खीर लेकर के अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए थे। यज्ञ नारायण भगवान के प्रसाद के रूप में खीर उन्हें प्राप्त हुई थी और वही खीर उन्होंने अपनी तीनों रानियों को खिलाई थी और उस खीर को खाने के बाद ही जो है राजा दशरथ के यहां चार पुत्रों का जन्म हुआ था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्र राजा दशरथ के यहां अवतरित हुए हैं। तो खीर का रामनवमी के दिन सबसे अधिक महत्व होता है, इसलिए यदि आप अपने जीवन में धन समृद्धि चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की समृद्धि बनी रहे, धन की कोई भी कमी नहीं आए तो आपको दूध और चावल से निर्मित खीर का निर्माण करके और उसमें केसर डाल करके तुलसी पत्र डाल करके प्रभु को भोग लगाएं और स्वयं प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण करें। यदि आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं तो आप फलाहारी खीर भी इस दिन बना सकते हैं। खीर कई प्रकार से बनती है, वैसे सबसे ज्यादा प्रचलित खीर चावल की खीर होती है, इसके अलावा अन्य खीर भी आप बना सकते हैं और उसका भगवान को भोग लगाने के बाद में सेवन आप कर सकते हैं। निश्चित तौर से यदि आप खीर खाएंगे तो पूरे वर्ष आपके घर में धन धान्य की अपार वर्षा होगी और आपके घर में पैसे की कोई कमी नहीं आएगी और आपका घर सुख शांति समृद्धि से भरा पूरा रहेगा तथा आपके घर में, आपके परिवार में दशों दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। आपसे निवेदन है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।